नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हमारे साथ हैं गोरखपुर ग्रामीण के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव जी। अभी अभी नामांकन दाखिल करके बाहर आए हैं, उनसे समझते हैं कि उन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनकी तैयारी है। सर, सबसे पहले तो संक्षिप्त में बता दीजिए कि किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे जो अपने मुद्दे हैं, गोरखपुर का जल जमाव, गोरखपुर में जाम और गोरखपुर लाइन ऑर्डर और गोरखपुर का विश्वास, जिस प्रकार से इस गोरखपुर में सांसद बाहर का ला दिया गया, कोरोना काल में किसी की सूद नहीं लिया, गोरखपुर से जो विधायक रहे वो पूरे 5 साल में जब जनता संकट में थी न जल जमाव में दिखाई दिए, न कोरोना काल में दिखाई दिए और न बाढ़ की समस्या से जूझे, और यहाँ तक कि जब लाइन ऑर्डर गड़बड़ था तो उस समय भी कहीं भी अधिकारियों को निर्देशित करने का काम नहीं किए और खुली छूट थी, जैसे चाहे उसे लूटो और जैसे चाहे उसे चलाओ थानों को। इसलिए हम लोगों का यह बेहतर प्रयास होगा कि जल जमाव की समस्या से पंप हाउस लगा के निजात दिलाना और फ्लाईओवर बना करके जाम की समस्या से निजात दिलाना, घंटाघर में मल्टी पार्किंग बना करके वहाँ पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करके वहाँ की समस्या से निदान दिलाना, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे। ये कहा जाता है गोरखपुर ग्रामीण जो है वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र, ऐसा कहा जाता है, और निषाद पार्टी जो है इस बार भाजपा के साथ है, तो उसका क्या असर आपको लगता है? देखिए, जात की बात करेंगे तो जात की बात करेंगे तो गोरखपुर में 5 विधानसभा है, लोकसभा में, और इस 5 विधानसभा में आप देख लीजिए कैंपियरगंज कौन लड़ रहा, समाजवादी पार्टी के काजल निषाद लड़ रही हैं और उनके सामने फतेह बहादुर सिंह, पिपराई से समाजवादी पार्टी के अमरेंद्र निषाद लड़ रहे हैं, उनके सामने महेंद्र पाल सिंह लड़ रहे हैं, गोरखपुर ग्रामीण से विजय बहादुर लड़ रहे हैं, उनके सामने विपिन सिंह लड़ रहे हैं, गोरखपुर सदर से सुभावती शुक्ला लड़ रही हैं, उनके सामने योगी आदित्यनाथ सिंह लड़ रहे हैं। आज बता दीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी में सब कुछ है। तो आप कितना मुश्किल आपके लिए लगता है मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है, हम लोग सब कुछ पार कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।